तस्वीरें आप देख रहे हैं दरभंगा बिहार से, जहां पर आज 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया जाएगा। इन सभी विकास कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री करते हुए और आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना पर निगाह डालते हुए, दरअसल आज बिहार को दूसरा एम्स मिलने जा रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है सीमांचल क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए, खासतौर पर जो पूर्वोदय योजना है जिसमें पूर्व के राज्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस इस बजट में दिखाया गया है, उसी कार्य योजना के तहत पूर्व के सभी राज्यों को इस नई व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। एक बिहार का पहला जो एम्स है पटना में, फ़िलहाल राजधानी पटना में काम कर रहा है। ये दूसरा एम्स होगा जो करीब 3 सालों में बन करके तैयार होगा। वहाँ पर मेडिकल छात्रों की जो सीट्स हैं वो सुनिश्चित की जा चुकी हैं। नर्सिंग कॉलेज भी साथ में होगा और न केवल स्थानीय छात्रों को स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य की जनता को और आसपास के क्षेत्र में जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा, आज उसका ऐलान किया जा रहा है। डिटेल्स सबसे थोड़ी देर में आप सभी के सामने होंगे। और आधारशिला की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आधारशिला के कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। लोकतंत्र के गौरव, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। विकसित भारत के संकल्प के शिल्पकार, हर भारतीय के प्रेरणा पुंज का करतल ध्वनि के जय घोष से वंदन करें, अभिनंदन करें, जो आज 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने इस पावन धरती पर पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। निस्वार्थ मानव सेवा एवं विश्व कल्याण के आदर्शों से पूरी दुनिया का दिल जीतने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का मिथिलांचल के दिल दरभंगा की दिव्य धरा पर हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। भारत का लाडला बेटा हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मां भारती के इस अद्भुत लाल की गौरवशाली उपस्थिति से हम सभी अनुग्रहित हैं। हर काम देश के नाम, हर पल मां भारती को समर्पित, हर श्वास देशवासियों को अर्पित। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य विभूतियों की गरिमामय उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। अब मैं बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। अब बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी अंगवस्त्र और शंख भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में शंख को मंगलमय माना जाता है। अंगवस्त्र अतिथि देवो भव की पुरातन परंपराओं का प्रतीक, शंख जिसकी ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, साथ ही मिथिला पेंटिंग
अंगवस्त्र के साथ मिथिला पेंटिंग भी माननीय सांसद महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए, विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग जिसमें माँ सीता को चित्रित किया गया है। इसके बाद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद माता सीता की मूर्ति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा अपना आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद। दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी माननीय प्रधानमंत्री जी को बांस की सीकी से बना गया चित्र भेंट करेंगे। मिथिला की सीकी आर्ट आज पूरी दुनिया में मशहूर है और माननीय प्रधानमंत्री देश की इस विरासत को दुनिया के हर कोने तक अपनी यात्राओं में ले जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। और अब इन गौरवशाली पलों में दरभंगा जिले के परम आदरणीय सांसद एवं विधायक मखाना की माला प्रधानमंत्री जी को पहनाएंगे। मखाना जिसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान माना जाता है, कहते हैं मिथिला देश का लगभग 90% मखाना पैदा करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की श्रेणी में भी शामिल किया है। मखाना भारत की पहचान पूरे विश्व में और मिथिला पूरी दुनिया में मखाना की इस पैदावार के लिए जाना जाता है। अथाह श्रद्धा असीम निष्ठा का मानो समंदर आज इस पावन धरती पर उमड़ आया हो। हर कोई श्रद्धानत है, हर कोई प्रयासरत है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के एक झलक पाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय। भारत एवं बिहार के पुनर्जागरण तथा नवनिर्माण के महायज्ञ में अपनी कार्यांजलि अर्पित कर रहे आप सभी गणमान्य की मंच पर पुरजोर उपस्थिति से शोभन गांव की माटी अभिभूत है, इसका कण कण गौरवान्वित है। इन्हीं अद्भुत पलों के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे श्रीमान। हम सब लोगों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मंच पर विराजमान सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायक विधान पार्षदगण और आज यहाँ मिथिलांचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, बहनों भाइयों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले हम सब मिथिला के पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करै छी। एहि ठाम उपस्थित सब मिथिलावासी से हम आग्रह करै छी कि सब गोटा खड़ा होके थपड़ी बजा के अपना प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के हम सब स्वागत अभिनंदन करूं। मैं आग्रह करूंगा सभी लोग खड़े होके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम सब लोगों के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही विशेष अवसर है जब आज इस मिथिलांचल को, दरभंगा को और उत्तर बिहार को हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस मिथिलांचल को ये दरभंगा के अंदर एम्स देने का उपहार दिया है। यह बहुत ही विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। पहले पूरे देश में केवल दो एम्स होता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा उपहार दिया मिथिलांचल को कि अब बिहार में ही दो एम्स हो गया। पहले पूरे देश में था, अब बिहार में दो एम्स हो गया, पटना में एम्स और दरभंगा में एम्स। हम सब लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, संपूर्ण मिथिलांचल वासी, उत्तर बिहार के लोग, दरभंगा के लोग,
उनका हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, उनके निर्देश पर हम सब लोगों ने ये जमीन जहां हम सब लोग उपस्थित हैं इस एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार को देने का काम किया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले मार्च के महीने में लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्पिटल बन रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार के सहयोग से वो कैंसर हॉस्पिटल अगले मार्च के महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और हम सब लोग इस बात की जरूर इच्छा रखेंगे कि आपके और मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में उसका भी लोकार्पण जनता के लिए हो। साथ ही एक विशेष विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी आज से 22-23 दिन पूर्व वाराणसी में आपने वहां संकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर वहां के प्रबंधन के लोगों से सार्वजनिक रूप से यह आग्रह किया था कि संकरा आई हॉस्पिटल का एक शाखा बिहार में भी खुले, और मुझे बताते हुए इस बात की प्रसन्नता हो रही है इस जनसमूह में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने जो संकरा आई फाउंडेशन से आग्रह किया था बिहार के लिए आज से 22 दिन पहले, संकरा आई फाउंडेशन ने उसे स्वीकार कर लिया है और आपके कारण वो संकरा आई हॉस्पिटल की शाखा बिहार में खुलने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति भी दे दी है और एक बड़ा आंख का हम लोगों का नया अस्पताल जो बना हुआ है वो अस्पताल हम सब लोग बहुत शीघ्र संकरा आई फाउंडेशन को देने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण ये एक बड़ा उपहार बिहार को संकरा आई हॉस्पिटल के रूप में भी मिला है। और आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, विकास की तेज रफ्तार है, क्योंकि एनडीए की सरकार है। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार का बहुत बहुत आभार। अब मैं बिहार के सर्वजनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने विचार जनमानस के साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के नेता श्री संजय कुमार झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो आज उपस्थित हैं श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आप भारी संख्या में उपस्थित हैं,
मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आदरणीय मोदी जी को देखने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आप जानते ही हैं हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफ़ी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफ़ी लोग देखने जाते हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहाँ तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बनेगा, हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे। तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए और अच्छा होगा कि यहाँ जो दरभंगा का हो तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था, तो अंत में ये हो गया कि भाई ठीक है तो यहाँ पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ के डीएम वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है, तो आज जो आप यहाँ पर आए हैं यही जगह डीएम ने चुना पिछली बार। आप पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे, तो हमने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा और ये बनेगा, इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा और ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा। जितना दूर दरभंगा है उसका और ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, ये जगह है। तो उसी समय अनुरोध किया गया और सीधे सरकार ने इसी चीज़ को देखते हुए मान लिया कि यही होना चाहिए और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था आ रहे हैं और अब आ करके इसकी शुरुआत हो जा रहा है।
तो जितना सब जगह भी होगा, तो हम लोगों ने तो ये भी कर दिया कि यहाँ पर बन रहा है। और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, उसमें तो चूंकि संभव ये नहीं था, अलग इसका जगह होना चाहिए था, ये बनाया है। और इसमें तो आपको बताया कि दरभंगा का विस्तार होगा और ये बहुत अच्छा होगा, और पूरे जगह से सब जगह से लोगों को आने में यहाँ पर अपने इलाज के लिए बहुत सुविधा होगी, तो बहुत अच्छी जगह है। और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, आज आए हैं इसके उद्घाटन के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ उनका कि इसको आपने स्वीकार कर लिया। और एक चीज आपको हम और बता देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बन रहा है, इसको आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छा बनेगा। और जो मेडिकल कॉलेज है दरभंगा का, उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका और विस्तार कर देंगे और 2500 लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे, और वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो जो देश का, हमारे बिहार का दूसरा था, पहला पटना और दूसरा वही बना, तो पटना वाले अस्पताल का भी विस्तार किया जा रहा है, इनका भी, इस हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जा रहा है। और जब ये बंद करके चला जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा, और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है दरभंगा एम्स के लिए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हर तरह से, जो आप समझ लीजिए कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले भाई एम्स जो बन जाएगा यहाँ, इसके बाद साम दीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा और इतना बढ़िया बनेगा, इतना अच्छा होगा कि सचमुच बहुत खुशी है। और इसीलिए हम लोगों को, सबको ये खुशी है कि दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति हो रही है। और आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं, और ये सारी बात बता देंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं, तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए, हाथ उठाओ सब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जो भी राज्य सरकार को सहयोग करना है, हम सब लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा, बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। है समय नदी की धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। देवी और सजनों, 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकसित भारत 2047 का स्वस्थ भारत होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं विचारों के अनुरूप एम्स दरभंगा का आज भूमि पूजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि वो रिमोट का बटन दबाकर एम्स दरभंगा के लोगों का अनावरण करें। ₹1264 करोड़ की लागत से बनने वाला 750 बेड वाला बिहार का दूसरा एम्स जल्द ही राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः विनती है कि वो रिमोट द्वारा केंद्र सरकार की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टिका अनावरण के साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 25 ऐतिहासिक प्रकल्पों का आज यहाँ आगाज हुआ। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतीय रेल मंत्रालय पिछले 10 सालों में अपने विशाल नेटवर्क को विस्तार देते हुए कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम लिख रहा है। इसी संकल्प सिद्धि को आगे बढ़ाते हुए झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड का आज यहाँ श्री गणेश होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा झंझारपुर से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, डिजिटल माध्यम से झंझारपुर लौकहा बाजार रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर विदा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। झंझारपुर लौकहा बाजार के इस रेलखंड का निर्माण लगभग 523 करोड़ की लागत से हुआ है। इस रेलगाड़ी से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में व्यापार के साथ रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। ऐतिहासिक दिन, जब लंबे इंतजार के बाद ये रेलगाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ती हुई, इसकी गूंज यहाँ की फिजाओं में बिखरेगी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें माननीय। देवी और सज्जनों, आइए इन सभी विशाल परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाओं के साथ फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े ट्रांसफॉर्मेटिव कदमों से पूरे देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है, जिसका बड़ा लाभ बिहार के लोगों को भी मिला है। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बिहार को विकसित भारत का बड़ा भागीदार बनाने की दिशा में आज का दिन अहम है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन, भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। हेल्थ केयर फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी के इस मिशन का आज बिहार में और विस्तार हो रहा है, क्योंकि आज बिहार का दूसरा एम्स, दरभंगा एम्स का भूमि पूजन किया जा रहा है। दरभंगा एम्स से न सिर्फ दरभंगा बल्कि मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे आसपास के कई जिलों की एक बड़ी आबादी के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित होगी, बल्कि इसका लाभ पूरे बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। आज लोकार्पण हो रहा है गलगलिया से बहादुरगंज एवं बहादुरगंज से अररिया खंड के 4 लेन कॉरिडोर का। ये बिहार से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच वैकल्पिक रूट प्रदान करेगा, जिससे माल ढुलाई और यात्री आवाजाही सुगम और तीव्र होगी। साथ ही देश की सामरिक शक्ति को भी बल मिलेगा। साथ ही बंधुगंज से 240 मीटर का पुल NH-19 सेमरिया एवं NH-322 बिदुपुर में ROB के निर्माण से लेवल क्रॉसिंग से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, तथा छपरा से बलिया UP के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है वो हैं: रामनगर से रोसड़ा, अहमदाबाद से मनिहारी, हाजीपुर से महनार, सरवन से चकाई, कटिहार से पश्चिम बंगाल सीमा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का सड़क निर्माण, कटोरिया, लखपुरा, बांका, पंजवारा एवं रानीगंज में 2 लेन पेव्ड शोल्डर के 5 बाईपास का निर्माण, और पहाड़पुर से बोधगया दुमुहान तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य। बिहार में बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए नव आमान परिवर्तित झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड, नव दोहरीकृत हरिनगर भैरवगंज एवं कुमारबाग चनपटिया साठी रेल लाइन, कुरौता पतनेर मनकठा सरफेस ट्रायंगल, बख्तियारपुर फ्लाईओवर एवं दरभंगा बाईपास लाइन का लोकार्पण एवं चिरैला पौथू से बगहा बिशुनपुर तक सोननगर बाईपास का शिलान्यास किया जा रहा है।
साथ ही नव आमान परिवर्तित झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड पर ट्रेन सेवा का शुभारंभ एवं देश भर में 18 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से आवाजाही सुगम और तेज होगी, जिससे यहाँ के किसानों की उपज और स्थानीय उद्यमों के उत्पादों को नए बाजारों तक पहुँच बढ़ेगी। लोकल आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़ी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो रहा है, वे हैं बिटुमेन इंपोर्ट को कम करने के लिए बरौनी रिफाइनरी में 300 KTPA क्षमता का बिटुमेन प्लांट और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डबल इंजन सरकार के ऐसे ही समर्पित संकल्पबद्ध प्रयासों से बिहार राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता देता रहेगा। वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। देवियों सज्जन, अब समय है उस उद्बोधन का जिसे सुनने के लिए हर देशवासी ही नहीं बल्कि दुनिया का हर अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रतीक्षारत रहता है। परमादरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह कि वो अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान धान पान मखान, ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे जी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गण, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी जी, दरभंगा के सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर, अन्य सभी सांसद गण, विधायक गण, अन्य महानुभाव, मिथिला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रणाम। साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खासतौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है। साथियों, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं, इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है, हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं।
और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है, तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले, हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना, और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। भाई और बहनों, कोई परिवार नहीं चाहता कि उसके घर में कोई बीमारी पड़े। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए योग, आयुर्वेद, पोषक खान पान का महत्व लोगों को बताया जा रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। ज्यादातर सामान्य बीमारियों की वजह गंदगी, दूषित खान पान, खराब जीवन शैली होती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय, नल से जल जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से शहर तो स्वच्छ बनता ही है, बीमारियां फैलने की गुंजाइश भी कम होती है। और मुझे पता चला अभी कि दरभंगा के इस कार्यक्रम की बात होने के बाद यहां हमारे मुख्य सचिव जी ने खुद ने नेतृत्व किया और दरभंगा में सफाई का अभियान पिछले 3-4 दिन चलाया। मैं उनका और बिहार सरकार के सभी कर्मचारी बंधुओं का और दरभंगा के नागरिकों का इस स्वच्छता अभियान को ताकत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आगे 5-7-10 दिन भी इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जाए। साथियों, ज्यादातर बीमारियों का अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है, लेकिन महंगी जांच की वजह से अक्सर लोग बीमारी के बारे में जान ही नहीं पाते। इसलिए हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी
अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पर चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। बहुत जल्द सभी बुजुर्गों के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा। आयुष्मान के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम कीमत में दवाइयां दी जा रही है। साथियों, बेहतर आरोग्य का हमारा चौथा कदम है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आप देखिए, आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहाँ करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है।
और एक प्रकार से मेरा ये काम कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो यही सपना हमेशा देखते थे, उस काम को हमने किया है। पिछले 10 साल में हमने मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी है। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले हैं। हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है जिसका बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा होगा। हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके। साथियों, हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब तक जिन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। और मुझे खुशी है कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। अभी हमारे मंगल जी बता रहे थे, कुछ दिन पहले जब मैं काशी में था तो वहां कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी से आशीर्वाद से बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल बना है। काशी में वो एक बहुत बढ़िया अस्पताल अभी बना है। मेरे यहां जब मैं गुजरात में था तो पहले मेरे गुजरात में बना था, तो मुझे लगा जो अस्पताल मेरे गुजरात में मैंने देखा बना, जो मैं काशी का एमपी बना वहां हुआ, उसकी सेवाएं भी उत्तम है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आंखों के ऐसी ही एक अस्पताल मुझे मेरे बिहार में चाहिए, और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उसमें प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक अच्छा आंख के लिए अस्पताल मिलेगा। आंख का ये नया अस्पताल भी इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। आज बिहार की पहचान यहां बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे से मजबूत हो रही है। दरभंगा में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली मुंबई जैसे जैसे शहरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिलने लगी है। बहुत जल्द यहां से रांची के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आमद दरभंगा एक्सप्रेस पर भी काम चल रहा है। आज 3,400 करोड़ रुपए की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम का शिलान्यास भी हुआ है। और घर में जैसे नल से जल आता है ना, वैसे ही नल से गैस आना शुरू हो जाएगा, और वो सस्ता भी होगा। विकास का ये महायज्ञ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इससे यहां पर
बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे। साथियों, दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला है। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से यहां के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। यहां जो मीठे पानी की मछली है उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से भी उन्हें बहुत मदद मिल रही है। भारत को हम विश्व के एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसका भी बहुत लाभ दरभंगा के मछली पालकों को मिलना तय है। साथियों, कोसी और मिथिला को बाढ़ से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए भी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत प्लान घोषित किया है। मुझे विश्वास है नेपाल के साथ मिलकर हम इस समस्या को हल कर पाएंगे। इससे जुड़े 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमारा बिहार भारत की विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। इस विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए एनडीए सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चल रही है। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपना पुराना गौरव पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विविधताओं से भरे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं भी हमारी बहुत अनमोल विरासत है। इन्हें बोलना जरूरी है, इन्हें बचाना भी जरूरी है। हाल में ही हमने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस भाषा में भगवान बुद्ध के संदेश और बिहार के प्राचीन गौरव का विस्तृत वर्णन है। इसकी जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये एनडीए सरकार ही है जिसने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। झारखंड में भी मैथिली को द्वितीय राज्य भाषा दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के दर्शन यहां दरभंगा में, मिथिलांचल में कदम कदम पर होते हैं। माता सीता के संस्कार इस धरती को समृद्ध करते हैं। एनडीए सरकार देश भर के 1 दर्जन से अधिक शहरों को रामायण सर्किट से जोड़ रही है। इसमें हमारा दरभंगा भी शामिल है। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा। दरभंगा सीतामढ़ी अयोध्या रूट पर
अमृत भारत ट्रेन से भी लोगों को बहुत मदद मिली है। साथियों, आपसे बात करते हुए आज मैं दरभंगा स्टेट के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के योगदान को भी याद कर रहा। आजादी के पहले और बाद में भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में भी उनके कार्यों की बहुत चर्चा होती है। महाराजा कामेश्वर सिंह के समाज कार्य दरभंगा का गौरव है, हम सभी के लिए प्रेरणा है। साथियों, दिल्ली में, केंद्र में मेरी सरकार और यहां बिहार में नीतीश जी की सरकार मिलकर बिहार के हर सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारी विकास और जन कल्याण योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिले, यही हमारा प्रयास है। मैं एक बार फिर दरभंगा एम्स के लिए, अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले नेमान पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद मान्यवर। आप सभी देशभक्त दरभंगा वासियों से आग्रह, करतल ध्वनि से आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से अपना आभार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, जिनका हर शब्द देश सर्वप्रथम का जय घोष है, जिनकी जीवन यात्रा देशवासियों की निस्वार्थ सेवा है। देश के महायज्ञ में अपना सर्वस्व झोंकने वाले तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि नमन। तो प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर हैं, जहां पर दरभंगा से आप प्रधानमंत्री के संबोधन पूरा माहौल निखरा और संवरा हुआ। ये संपूर्ण दृश्य कुछ ही देर में भव्यता के नए आकाश छूने लगेगा, जब यहां समारोह प्रारंभ होगा और भव्य परेड निकाली जाएगी। हम भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और भव्यता की एक शानदार तस्वीर के गवाह बनेंगे। इस बार समारोह की विषय वस्तु विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। इस बार के समारोह में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें माननीय राष्ट्रपति परेड